हेलो दोस्तों, मैं प्रवेश राठौर स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द फाइनेंस कनेक्शन में। और आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। हम 2024 में पहुंच चुके हैं और 2024 में जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस काफी चेंज हो गया है। अब ये पहले की तरह इतना आसान नहीं रहा, तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं और किस साइज में कैरी करने हैं, ताकि आपके कोई प्रॉब्लम ना आए और डिपार्टमेंट की तरफ से भी आपको कोई इशू या क्वेरी ना हो। तो आपको सबसे पहले अपना पैन कार्ड कैरी करना है, जो कि एक एक्टिव पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड आपका एक्टिव है या नहीं ये चेक करने के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं और अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। सेकंड डॉक्यूमेंट आता है आपका एड्रेस प्रूफ का। एड्रेस प्रूफ में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपना आधार कार्ड ही यूज करें, और आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक होना भी जरूरी है। तो आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक है या नहीं, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं और अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। आधार कार्ड में इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, आधार कार्ड यूज करने से आपका रजिस्ट्रेशन जल्दी इश्यू हो जाता है और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। तीसरा डॉक्यूमेंट होता है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो कि एप्लीकेंट की होनी चाहिए, जिसका साइज 100 KB से कम होना चाहिए। इसके बाद फोर्थ डॉक्यूमेंट आता है प्रमाइसिस प्रूफ का। अगर प्रॉपर्टी आपकी खुद की है तो उसमें आप अपने ओनरशिप के प्रूफ, प्रॉपर्टी के पेपर, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट, या अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है या लीज पर है तो उसके एग्रीमेंट की कॉपी इसमें लगानी होती है, जिसका साइज अप टू 2 MB तक होता है। इसके साथ ही आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी लगानी होती है, जिसका साइज 100 KB से कम होना चाहिए। ये लगाना जरूरी है, अगर आप इसे नहीं लगाएंगे तो डिपार्टमेंट 100% कोई ना कोई क्वेरी रेज कर देगा। और जो भी आपका एग्रीमेंट या लीज होगा उसके ऊपर आपके जो भी लैंडलॉर्ड हैं और जो विटनेस है उनके आईडी प्रूफ लगाना भी जरूरी है। अगर आप नहीं लगाते तो उसके लिए भी डिपार्टमेंट अब क्वेरी रेज कर देता है। इसके बाद आपको पीटी रजिस्ट्रेशन के प्रूफ भी लगाने होते हैं, क्योंकि ये साउथ इंडिया में एप्लीकेबल होता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, कर्नाटका एटसेट्रा। तो अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको पीटी रजिस्ट्रेशन की कॉपी भी लगानी होती है। इसके बाद आपको आपके जो लिस्ट ऑफ ट्रेडेड आइटम या सर्विसेज हैं उसके कोड्स पता होने चाहिए। इसके अलावा आपको अपना बिजनेस नेम, जो भी आपने अपने बिजनेस का रखा है, वो पता होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो बिना वक्त गवाए चलते हैं जीएसटी पोर्टल पे और देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई होगा। तो आपको सर्च करना है जीएसटी। जैसे ही आप जीएसटी सर्च करेंगे, ये जीएसटी पोर्टल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आपको जीएसटी पोर्टल वाले लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सर्विसेज में जाना है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, सो उसके रिप्लाई करने हैं। जैसे आई एम अ टैक्स पेयर, अगर कोई और ऑप्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, स्टेट के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको लीगल नेम ऑफ बिजनेस डालना है। लीगल नेम ऑफ बिजनेस वो होता है जो आपके पैन नंबर पर नाम मेंशन होता है। अगर इन केस प्रोप्राइटरशिप है तो आप प्रोप्राइटर का नाम इसमें डालेंगे, लेकिन अगर अदर देन प्रोप्राइटर है तो जो भी नाम प्रिंट होगा वो नाम इसमें डालना है। इसके बाद आपको पैन नंबर डालना है, इसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है, इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, इसके बाद लास्ट में कैप्चा कोड डालना होता है जो 6 डिजिट का होता है, और प्रोसीड पे क्लिक करना है। कई बार क्या होता है, पैन नंबर पे ऑलरेडी रजिस्टर हो रखा होता है। अगर आपका पहले भी कोई जीएसटी नंबर आपने लिया हो और किसी वजह से वो कैंसिल या सस्पेंड हो गया हो तो इस तरीके का आपको पॉपअप शो करेगा। तो इसको आपको प्रोसीड पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आपके दिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपीज आए होंगे, वो ओटीपीज यहां पर डालने हैं, देन प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपका एक TRN जनरेट हो जाएगा, जिसका मतलब टेम्पररी रेफरेंस नंबर होता है। जब तक आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं करते और जीएसटी का अप्रूवल नहीं आता, तब तक आपको इस TRN नंबर को ही अपना नंबर मानना पड़ेगा और इसी के साथ आपको आगे के काम करने होंगे। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए और प्रोसीड करके आगे बढ़ जाइए। अब इसके बाद आपको इस ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर अपना TRN नंबर डालना है, ये कैप्चा डालना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ये एक बार आपसे फिर ओटीपी मांगेगा, इस बार मोबाइल और ईमेल पे सेम ओटीपी जाएंगे, तो आप किसी भी एक का डाल सकते हैं इसमें।
ओटीपी डालने के बाद प्रोसीड करें। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको एक्शन में जाना है और इस पेन बटन पे क्लिक करना है और ये कुछ स्टेप्स दिए हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। सो जो भी आपकी पेन डिटेल आपने दी थी वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो कर रही होगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन में आना है ट्रेड नेम। ट्रेड नेम वो नेम होता है जो आप अपने बिजनेस का रखते हैं। सो इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, पेन पे जो हो वो जरूरी नहीं है, यहाँ पर भी आप वही डालें। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, तो जो भी आपका पेन टाइप होगा उसके हिसाब से आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन डाल दीजिएगा, हमारा प्रोप्राइटरशिप है। इसके बाद एडिशनल ट्रेड नेम, अगर कोई एडिशनल नाम आप दिखाना चाहते हैं तो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई डिस्ट्रिक्ट गलत सिलेक्ट कर लिया हो तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछता है आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्स पेयर। सो अगर आपका ये एप्लीकेबल हो आप इसको इनेबल कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन फॉर कंपोजिशन डालना है, ये कुछ ही बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर आपके बिजनेस में एप्लीकेबल हो तो आप इसके लिए भी इनेबल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके बाद ये रीजन फॉर ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन पूछता है। हमारा अभी वॉलेंट्री है, हमारे ऊपर किसी भी तरीके की कोई लाइबिलिटी या गवर्नमेंट का नोटिस नहीं है, तो हम वॉलेंट्री बेसिस सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर इन केस आपका अदर देन वॉलेंट्री हो, किसी वजह से आपको ये लेना पड़ रहा हो, तो वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इस पे हम आज की डेट सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन हो तो आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन सिलेक्ट किया हो तो उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है। अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद वो पूछता है प्रोमोटर या पार्टनर या प्रोप्राइटर की डिटेल, तो यहाँ पर आपको उस पर्सन की डिटेल डालनी है जिसके नाम पर या जो भी ऑथराइज पर्सन है रजिस्ट्रेशन लेने जा रहा है। सो उसमें उसका फर्स्ट नेम डालना है, अगर सिंगल नेम हो तो आपको सीधा फर्स्ट नेम डालना है और बाकी का ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद उनके फादर की डिटेल, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये तीन चीजें डालनी है। इसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये आपसे आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन पूछता है, फर्स्ट उसका डेजिग्नेशन क्या है, अगर वो किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो उसको डिन नंबर अलॉट हुआ होगा, वो डिन नंबर डालना है, अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। इसके बाद आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर इंडियन सिटीजन है तो इसको इनेबल ही रहने दीजिएगा। इसके बाद ये जो भी आप ऑथराइज पर्सन या प्रोपराइटर है उसके रेजिडेंशियल एड्रेस की डिटेल पूछता है, तो यहां पर वो आप डाल दीजिएगा। एड्रेस की डिटेल डालने के बाद ये जो भी ऑथराइज पर्सन, प्रोपराइटर, पार्टनर, डायरेक्टर है उसकी यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी होती है जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और 100 KB से कम होनी चाहिए। लास्ट में ये बोलता है अदर इन्फॉर्मेशन, अगर आपकी पार्टनरशिप या कंपनी है तो उसमें मल्टीपल पर्सन हो सकते हैं, तो उस केस में आपको जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी होने वाला है जब उसकी इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे तो उस टाइम पर ये वाला ऑप्शन इनेबल करना है। हमारे केस में प्रोप्राइटरशिप है और यही ऑथराइज सिग्नेटरी है, तो हम इसी पे येस कर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आता है ऑथराइज सिग्नेटरी वाला पार्ट। तो हमने जैसे ही वहां पे इनेबल किया था, देखिए जो भी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोमोटर और पार्टनर वाले पार्ट में डाली होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन यहां पर उसने ऑटो फेच कर ली होगी। सो जस्ट आपको यहां पर प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसको चेकबॉक्स करना है और लास्ट में आकर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वाला ऑप्शन आता है, अगर कोई जीएसटी प्रैक्टिशनर या सीए हो ये उसके लिए एप्लीकेबल होता है। अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो आप इस पार्ट को ऐसे ही छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी जिस लोकेशन के लिए आप जीएसटी नंबर अप्लाई करने जा रहे हैं, तो यहां पर उस एड्रेस की डिटेल आएगी। एड्रेस डालने के बाद आपको स्टेट का सर्कल या वार्ड डालना होता है, तो जो भी आपने ऊपर पिन कोड डाला होगा उसके अकॉर्डिंग ये आपको वार्ड शो करेगा। सो यहां पर अभी एक ही आ रहा है तो हम इसी को सिलेक्ट कर लेंगे। कई केसेस में डबल भी आते हैं तो आप जो भी आपका एप्लीकेबल हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेंटर जुडिक्शन, आपने ऊपर स्टेट जुडिक्शन डाली है, अब सेंटर की जुडिक्शन डालनी है, तो यहाँ पे भी आपके पिन कोड के हिसाब से जो भी एप्लीकेबल होगा वो यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो आपने फर्स्ट पेज पे डाली थी वही ये पिक कर लेता है यहाँ से, अगर टेलीफोन नंबर हो या फैक्स नंबर हो तो आप वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आता है नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रमाइसेस, सो जो भी प्रमाइसेस है उसका नेचर क्या है। सो हमारा ये रेंटेड है सो हम रेंट सिलेक्ट करेंगे, और प्रूफ ऑफ प्रमाइसेस में हमारे पास एग्रीमेंट की कॉपी है तो ये रेंट लीज एग्रीमेंट वाला पार्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उसकी फाइल अपलोड कर देंगे। वो फाइल पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और 2 MB से कम होनी चाहिए। जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट लगाएंगे यहाँ पर एक एडिशनल सपोर्टिंग प्रूफ मांगता है, तो हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी लगाएंगे।
इसके बाद आता है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आप इसको ठीक से सिलेक्ट करिएगा। ये हर बिजनेस का अलग होता है। सो हमारे केस में हम सर्विस प्रोवाइडर और रिसिपिएंट हैं, तो हम वो सिलेक्ट करने वाले हैं। इसके बाद लास्ट में ये पूछता है हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। कई बार क्या होता है, कई बिजनेसेस के पास मल्टीपल प्लेसेस होते हैं। सो अगर मल्टीपल प्लेसेस हो तो आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है और आगे चल के उसकी प्रमाइसिस की इंफॉर्मेशन एड करनी है। बट हमारे केस में सिंगल प्रमाइसिस है तो हम इसको इनेबल नहीं करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने वहां पे एडिशनल प्लेसेस को यस किया होता तो यहाँ पर उसको ऐड करने का ऑप्शन दिख जाता। सो आपको यहाँ पर इस ऐड न्यू वाले बटन पे क्लिक करना होता और अपनी प्रमाइसिस ऐड करनी होती। ध्यान रखिएगा जब आपके एक से ज्यादा प्रमाइसिस हो तभी इसको इनेबल करिएगा, सिंगल प्रमाइसिस में मत करिएगा। हमारा सिंगल ही है तो हम इसको यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके बाद आता है गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें ये शो करना होता है कि आप किस तरीके के प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील करते हैं। तो प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो गुड्स की कैटेगरी में आता है, तो आपको अपने प्रोडक्ट का यहाँ पे नाम डालना है, या अगर आपको कोड पता है तो कोड डालना है। अगर सर्विसेज है तो आपको सर्विसेज वाले पार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे उसका नाम या कोड डालना है। तो हमारा सर्विसेज है तो हम यहाँ पर उसका सर्विसेज डालेंगे। सर्विस डालने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। इसके बाद ये स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बोलता है, जैसे कि कई स्टेट्स में प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल होता है तो उसके नंबर डालने हैं, कहीं पर एक्साइज लाइसेंस भी एप्लीकेबल होता है बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो आपको वो भी डालना है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ के आगे भी बढ़ सकते हैं। सो इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। इसके बाद ये सेकंड लास्ट पेज पर लेकर आता है, यहाँ पर होता है आधार ऑथेंटिफिकेशन। तो जो भी प्रोप्राइटर है उसका आधार नंबर के अकॉर्डिंग उसका एक ऑथेंटिफिकेशन कराना होता है ताकि उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो सके। तो आप इसको यस कर दीजिएगा। अगर आप इसको नो करते हैं तो रजिस्ट्रेशन लेने में आपको जितना टाइम उन्होंने डिपार्टमेंट ने बताया है उससे ज्यादा का टाइम लग सकता है। अगर आप आधार ऑथेंटिफिकेशन करवाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जल्दी हो जाएगा। तो आपको इसको इनेबल ही रखना है और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सो ये आपको वार्निंग देगा, आपको इसको ओके कर देना है। अगर आपको रीड करना हो तो रीड कर लीजिएगा। इसके बाद आता है अपना फाइनल स्टेप। यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना होता है, ये कंफर्मेशन देनी होती है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन और डेटा दिया है वो बिल्कुल सही है आपकी नॉलेज के हिसाब से। अगर कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो आपको इसको चेकबॉक करना है और जो भी आपको ऑथराइज पर्सन होगा उसका नाम सिलेक्ट करना है, आपका प्लेस सिलेक्ट करना है और इसके बाद सबमिट विद ईवीसी पे क्लिक कर देना है। तो आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी आया होगा, वो आपको यहाँ पर डालना है और वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सक्सेस का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। तो इसके बाद आपको यहां से लॉग आउट कर देना है। तो जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे आप उसके 10 से 15 मिनट बाद आपकी ईमेल पे और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक आधार ऑथेंटिफिकेशन का लिंक आएगा। आपको उस लिंक पे क्लिक करना है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे आपको ये एक न्यू विंडो पे ले आएगा जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का डिटेल लिखा होगा। तो यहाँ पे आपको इसका ऑथेंटिफिकेशन के कंसेंट पे ओके करना है, फिर इसको ड्रैग करके नीचे आना है और आधार नंबर पे क्लिक करना है। यहाँ आपको अपना आधार नंबर डालना है जिसके भी नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं और वैलिडेट आधार नंबर पे क्लिक कर देना है। सो आधार वैलिडेट करने के बाद ये आपको आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी भेजेगा, वो ओटीपी आपको यहाँ डालना है और इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे आपको एक सक्सेस का मैसेज शो करेगा एंड आपको ये सक्सेसफुली का एक विंडो भी शो करेगा। सो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इसका कंफर्मेशन आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एसएमएस और ईमेल के थ्रू भी आता है। So, इसके बाद आपका जो भी ARN जनरेट होगा उसके बेसिस पर आप अपने GST रजिस्ट्रेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।